जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सीआरपीएफ की वैकेंसी के लिए। आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021 वाली जो कि पिछली वैकेंसी जो अभी एसएसजीडी की गई थी, इसमें लगभग 27,000 पोस्ट की वैकेंसी थी जो कि नहीं हुई थी। और उसके बाद में सभी ये सोच रहे थे कि सीआरपीएफ अलग से वैकेंसी लेगा, साथ में एनआईए की वैकेंसी भी लेगा। और अभी एक दो नोटिस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनपे डेट लिखी हुई है कि इसकी एज क्राइटेरिया 18 से 28 रहेगा सीआरपीएफ की, ताकि उसमें एज रिलेशन भी मिल जाएगा। साथ में इसकी 27,000 पोस्ट की एक वैकेंसी आने वाली है जो कि सीआरपीएफ अलग से कराएगा। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। एक तो मैं सभी जितने भी बच्चे जो एसएससीजीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बता दूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन कोर्स इस बार नहीं दे रहे क्या। मैं आपको बताऊं, कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया गया है एसएससीजीडी 2023 का। और जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं गारंटी बेच में आके अकेडमी में, कुचामन सिटी राजस्थान में हमारी अकेडमी है, तो आप अकेडमी में आके 2023 के एसएससीजीडी की अभी से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे जो नंबर दिए गए इस पर आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं लाडलो, जितने भी बच्चे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए कि ओलिव बोर्ड की तरफ से 4 और 5 जून को बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए फायदे की, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट रखा गया है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। अब आप पूछोगे मॉक टेस्ट किसका है, तो जितने बच्चे SSC CGL टायर 2 और RRB NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, दबा के मारिए, देखिए आपकी कितनी रैंक आती है। अब जो वैकेंसी की आप चर्चा कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, सीआरपीएफ भर्ती 2021 की है ये, इसमें पोस्ट ऑफ वैकेंसी लगभग 27,000 खाली थी, जो कि उस समय एसएससीजीडी की वैकेंसी के साथ, आप सभी को बताया कि सीआरपीएफ की वैकेंसी एसएससीजीडी की वैकेंसी के साथ ही कराई जाती है। हाँ, इससे पहले आपसे सलाह भी लेना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि प्री मेडिकल रखा जाए एसएससीजीडी का बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए, तो आप कमेंट करिए, आप सभी के लिए एसएससीजीडी का बिल्कुल प्री मेडिकल भी रख दिया जाएगा। अगर आपकी राय मिली पॉजिटिव तो जरूर करेंगे। तो ये 27,000 पोस्ट की वैकेंसी, और इसमें जो एज का क्राइटेरिया आप बता रहे हो 18 से 28, जो नोटिस में दिखाई दे रहा है आपको, मैं बताऊं एसएससीजीडी में भी एज का क्राइटेरिया 18 से 28 ही रहता है, केवल सीआरपीएफ ऐसी वैकेंसी नहीं है। लेकिन किस कंडीशन में रहता है, जनरल के लिए 23 साल रहता है, ओबीसी के लिए 26 साल रहता है, और SC ST के लिए 28 साल रहता है। इस प्रकार से वो 18 से 28 साल होता है। अब रही बात इस वैकेंसी की, 27,000 पोस्ट की वैकेंसी सीआरपीएफ में अलग से आएगी, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ में जो अलग से वैकेंसी आती है वो एक तो SCM यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी अलग से होती है, साथ में ट्रेड, जितने भी ट्रेड्स की वैकेंसी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन कांस्टेबल की वैकेंसी कभी भी सीआरपीएफ की अलग से नहीं होती, पहले होती थी, लेकिन जब से एसएससी आया है उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनकी भर्ती कराता है। तो ये वैकेंसी आएगी जरूर, लेकिन आएगी एसएससीजीडी 2023 में, और इसमें लगभग 80,000 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। जो जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं आप ये मान के चलिए कि सीआरपीएफ की 27,000 पोस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एसएससीजीडी 2023 में, तो आपको तैयारी उसके अभी से करोगे तभी आपका नंबर आएगा। लेकिन जो आपका जो नोटिस देख रहे हो बिल्कुल गलत नोटिस है, बिल्कुल फेक नोटिस है, बस ऐसे लोग फालतू व्यूज के लिए उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं और बार बार फिर आप हेल्पलाइन पे कॉल करके परेशान करते हो, इसलिए ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपको सीआरपीएफ में जाना है तो 80,000 पदों की वैकेंसी रहेगी एसएससीजीडी 2023 की, उसके लिए तैयारी आपसे ही करना शुरू करना पड़ेगा लाडलो। जय हिंद, जय भारत।